जय माता दी मित्रों, माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि या तो सिंह लग्न के जातकों के लिए राहु केतु की राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। जी हाँ मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु मेष राशि से मीन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे और केतु तुला राशि से कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। आइए सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों के ऊपर इसका प्रभाव जानते हैं। तो मित्रों, सिंह लग्न या सिंह राशि में ये मीन राशि अष्टम भाव में आएगी, तो राहु अभी नवम भाव में गोचर कर रहे थे मेष राशि के अंतर्गत, अब राहु मीन राशि में अष्टम में गोचर करेंगे। वहीं केतु तृतीय भाव में गोचर कर रहे थे, अब वही द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। देखिए, अभी तक आपके जीवन में राहु का प्रभाव ये चल रहा था कि राहु नवम भाव में बैठे थे, भाग्य के भाव में बैठे थे और मेष राशि के अंतर्गत थे, और वहीं इस राहु की दृष्टि पंचम भाव पर भी थी, लग्न पर थी, सातवीं दृष्टि तृतीय भाव पर और नवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, विशेषतः भाग्य को भी प्रभावित कर रहे थे और साथ ही साथ आपके द्वारा किए गए जो पुण्य थे उनको भी, मतलब हो सकता है कि कुछ अच्छे काम भी आप कर रहे हो वहाँ पर भी आपका नाम खराब हो रहा है, उनका भी हो सकता है कि काम आपने किया है, मेहनत आपने की है लेकिन अप्रिशिएट किसी और को किया जा रहा है उस काम को लेकर, तो ये एक स्थिति आपके जीवन में चल रही थी, विशेषतः भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था राहु के प्रभाव के कारण। तो ये एक स्थिति थी कि भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है या भाग्य के मतलब अगर आप कोई काम कर रहे हैं वो आपका पूरा होने से पहले कुछ ही समय पहले आपके अड़चने आए, बाधाएं आई जिसके कारण वो काम रुक गया, बंद हो गया या फिर उसको मतलब करने का फिर आपको मौका ही नहीं मिल रहा है, इस तरीके की समस्याओं से आप जूझ रहे थे। पिता को आपने देखा होगा कि 1.5 साल के अंदर अंदर ये जो आपका अप्रैल 22 से इसका गोचर था मेष राशि में, तो अप्रैल 22 से अक्टूबर 23 के बीच में आपने देखा होगा कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी परेशानी रही, पिता को कष्ट देख पिता का कष्ट आपने देखा है, कहीं ना कहीं पिता से संबंधित या वाद विवाद परेशानी आपने पिता को लेकर देखी है। इसी प्रकार कहीं ना कहीं गुरु के साथ भी आपको इस तरीके की समस्याएं दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है। वहीं उच्च शिक्षा के अंतर्गत बाधा वगैरह स्थिति वो भी आपने देखी है और भाग्य का साथ मिलने में तो बड़ी कठिनाई आपको आई है। तो ये सारी समस्याओं से अब आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी, मतलब कहीं ना कहीं इनसे आप मुक्त होते हुए नजर आएंगे। वहीं राहु की दृष्टि आपके लग्न पर थी, वो भी पांचवी दृष्टि थी, ज्ञान की दृष्टि होती है पंचम दृष्टि, मतलब और राहु जैसा ग्रह जब लग्न पर दृष्टि तो ज्ञान का दुरुपयोग कह सकते हैं या कह सकते हैं कि आपने अपने इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग किया लेकिन उसके बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आपको संतोष नहीं मिला, ये भी एक स्थिति आपके साथ थी। लगन पर पापग्रह की दृष्टि, राहु की दृष्टि सूर्य के लिए राहु का प्रभाव, ये शत्रुता रखने वाले आपसी मतलब राहु सूर्य को शत्रु मानता है, तो ये एक स्थिति और उसके अंतर्गत भी वो जब उसके भाग्य भाव में बैठ गया सिंह लगन के तब वो उसका भाग्य चलने ही नहीं देगा, इस तरीके की स्थिति थी कि भाग्य का साथ नहीं देने दूंगा मैं, इस तरीके का प्रभाव राहु बनाया हुआ था, जिसके कारण लगन पर दृष्टि डालने से दिमाग में बड़ी हलचल चल रही थी, सरदर्द की शिकायत चल रही थी, मानसिक रूप से तनाव में आप थे, डिप्रेशन की स्थिति कह सकते हैं, चिड़चिड़ापन आपका चल रहा था। और वहीं ये प्रभाव 17 जनवरी 2023 से आपने देखा कि ये जो 1.5 साल के अंदर जब 17 जनवरी 2023 से शनिदेव ने भी दृष्टि डाल दी तब से आपकी बुद्धि बड़ी मतलब आप बड़े परेशान हो गए, आप बड़े विचलित हो गए, आपको ये नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरीके से क्या निर्णय लिया जाए, कहीं ना कहीं मानसिक स्तर से आप बड़े परेशान बड़े हताश चल रहे थे। अप्रैल के बाद से जैसे गुरु आए मेष में तो थोड़ा सा आराम दिया लेकिन गुरु राहु का चांडाल योग था वो भी बहुत अच्छी रिजल्ट नहीं दे रहा था, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 से जैसे ये राशि परिवर्तन हो जाएगा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा सुधार आता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेंटली आप बहुत मतलब एक होता है कि किसी ने बांध रखा था तो थोड़ा सा रिलीज आपको कर दिया है, थोड़ा सा रिलीज मतलब यहाँ पर राहु के कारण ही रिलीज हो रहे हैं, शनि का प्रभाव तो जो का तो अभी चलेगा ही, तो थोड़ा रिलीज आपको किया जाएगा, ये भी एक स्थिति। दोनों शत्रुओं की दृष्टि आप पर थी, मतलब कहीं ना कहीं आप शत्रुओं से घिरे हुए थे या ऐसा लग रहा था कि आप कुछ काम कर रहे हैं आपको हर व्यक्ति मतलब आपके शत्रु आपको देख रहे हैं
और उनके दबाव में रहकर आप जीवन जी रहे थे, ये आप अपने जीवन में आप लगा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ये घटना घटित होती हुई आपको देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, क्योंकि लगन पर पाप ग्रहों का प्रभाव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपके लिए अच्छा नहीं चल रहा था। कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को लेकर भी बड़े चिंतित, बड़े परेशान चल रहे थे। आपकी पर्सनैलिटी, आपके ऊपर झूठे आरोप लगना, या कहीं ना कहीं आपकी कह सकते हैं कि जो नेम फेम था वो कहीं ना कहीं खराब हो रहा था लगन पर इस तरह की दृष्टि, क्योंकि शत्रु आपके पीछे पड़ गए थे पीछे एक तरीके से देखा जाए तो, कहीं ना कहीं आपका नाम खराब करने के पीछे, आपको बदनाम करने के चक्कर में इस तरीके की भी संभावनाओं के साथ, इस तरीके की स्थिति के साथ अपना जीवन आप जी रहे थे। कितना यहाँ पे आपको प्रभाव अब मिलता हुआ नजर आएगा कि आप कितना रिलीज हो जाओगे, तो ये एक स्थिति आपको देखने को अवश्य मिलेगी। वहीं राहु केतु के प्रभाव, ये आपके तृतीय भाव में, तो केतु का भी प्रभाव तृतीय भाव में था, राहु की दृष्टि आ गई, पराक्रमी बहुत थे, मेहनत बहुत कर रहे थे, रिजल्ट तो नहीं मिल रहा था इतना, लेकिन कह के केतु का प्रभाव भी था तो आपके छोटे भाई बहनों से भी असंतोष की स्थिति, डिटैचमेंट का भाव आ रहा था, आस पड़ोस के व्यक्तियों से भी आ रहा था। ये हो सकता है कि आस पड़ोस के व्यक्ति भी आपको बड़ा कुछ परेशान कर रहे हो, जिसके कारण वहाँ से भी अलगाव की स्थिति आपके जीवन में बन गई हो, तो ये भी एक स्थिति, थोड़ा कह सकते हैं अकेलापन जीवन में आ गया था, थोड़ा अंधकार कह सकते हैं। और जो सिंह लग्न का प्रभाव, जो कि आपकी लीडरशिप थी, जो आपका एक मेन आपकी पर्सनैलिटी है, आप कहीं ना कहीं अपनी मेन पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग हुए थे, कि आप वो जीवन ही नहीं जी पा रहे थे जो आपका एक नेचुरली आपका एक लाइफस्टाइल है, आप उससे टोटल डिफरेंट लाइफस्टाइल के अंतर्गत जी रहे थे, इस तरीके की स्थिति के साथ आप जीवन जी रहे थे। वहीं राहु की नवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो कुछ काम आप अच्छा भी कर रहे थे उनको भी अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था। वहीं आपके प्रेम संबंधों के अंतर्गत, शिक्षा संबंध और साथ ही साथ आपके संतान संबंधों के अंतर्गत भी बड़ी परेशानी चल रही थी, संतान को लेकर भी आप परेशान थे, क्योंकि राहु का जो जहर है, राहु की दृष्टि, वो आपके पंचम भाव पर भी पड़ रही थी। इन सब से अब आप रिलीज होते हुए नजर आएंगे, यहाँ अब आपको इन सभी क्षेत्रों में अब आपको शांति मिलती हुई नजर आएगी, आपके शिक्षा संबंधित परेशानियाँ भी दूर होती हुई नजर आएगी, संतान के साथ, संतान अगर हो सकता है कि संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी, या तो संतान आपका कहना नहीं मान रही है, या संतान गलत रास्ते पर जा रही थी, संतान के साथ मतभेद, उन सबसे आपको आराम शांति मिलेगी। प्रेम संबंधों के अंतर्गत भी दोबारा से वहाँ पर शांति होती हुई दिखाई देगी, किसी तरीके का भ्रम जो आपस में आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वो सब दूर होती हुई नजर आएगी। अब देखिए राहु, ये तो प्रभाव आपने जान लिया है जो पहले से चल रहा था उसमें, तो अब आपको शांति मिली जाएगी। अब राहु मीन राशि में जैसे ही अष्टम भाव के अंतर्गत आएंगे, ये रिसर्च वर्क के लिए जबरदस्त है। अब आपकी जो खोज होगी वो ऐसी होगी कि जिसको सामने जिसका कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति मतलब उसका प्रभाव नहीं कर सकता, मतलब कहीं ना कहीं आपसे सर्वश्रेष्ठ इसमें कोई नहीं हो सकता, खासकर मतलब कहीं ना कहीं आप काफ़ी अच्छी रिसर्च इस समय के अंतर्गत करते हुए नजर आएंगे। गुप्त ज्ञान में या गुप्त चीज़ों में, ये सीक्रेट्स वगैरह, इससे रिलेटेड कोई ना कहीं रहस्यमय चीज़ों में ध्यान जाएगा, और वहाँ पर आप खोज करते हुए नजर आएंगे, एज ए डिटेक्टिव आप काम करते हुए नजर आएंगे, तो ये भी एक संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। खासकर जो व्यक्ति रिसर्च फील्ड में है उन्हें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और वैसे भी मीन राशि के अंतर्गत हैं। अब मीन राशि के अंतर्गत हो सकता है कि आप स्पेस एजेंसी वहाँ पर उसमें काम करते हैं, अंतरिक्ष से संबंधित कुछ इस तरीके की रिसर्च में, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। या फिर आप कह सकते हैं मीन राशि के अंदर का हॉस्पिटल वगैरह आते हैं, मतलब आप हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल, मतलब आप किसी हेल्थ से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड उस वाले फील्ड के अंतर्गत वहाँ पर रिसर्च में हो, वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो सकता है कि ये संभावना, और यहाँ पर मीन राशि के अंतर्गत एक और स्थिति कि मतलब आत्मा परमात्मा के, मतलब कहीं ना कहीं जो शक्तियाँ हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य शक्तियां, उनसे संबंधित कुछ खोज में हो। हो सकता है कि अगर आप सिंह लग्न के हैं और राहु मीन राशि में अष्टम भाव में हैं, आप एक तांत्रिक हैं, तंत्र मंत्र के जानकार हैं, उस क्षेत्र के अंतर्गत आप ऐसी सी शक्तियों के साथ आपका परिचय हो जाएगा जो बहुत दुनिया की सोच से परे है, तो ऐसी ऐसी शक्तियों के आप जानकर, मतलब इस समय में कहीं ना कहीं ये संबंध भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि राहु अष्टम भाव हो गया, मीन राशि हो गई, ये सारा संबंध जब कनेक्ट करेंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में इस तरीके के हो गए, और होंगे ही जब आप इस तरीके का अगर काम करते हैं, तो इतनी अच्छी रिसर्च आपके जीवन में होगी, ऐसी ऐसी चीज़ें खोज कर लेकर आएंगे, तो ये भी एक तथ्य है। साथ साथ अष्टम भाव में आकस्मिक रूप से धन लाभ भी आपको यहाँ पर होने की प्रबल संभावनाएं देखी जाएगी। साथ ही आपके व्यापार का संबंध भी कुछ अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड चीज़ों से, वहाँ से भी संबंध बन सकता है, और वहाँ से आपको फायदा होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ से आपको फायदा देखने को मिलेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये राहु मीन राशि में अष्टम भाव में लगन से अष्टम होने पर इन्फेक्शन दे सकता है आपको।
आपको गुप्तांगों से संबंधित इन्फेक्शन होने की प्रबल संभावना रहेगी, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना अपना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। गुप्त संबंधों में वृद्धि हो सकती है, आप कहीं ना कहीं गुप्तता के साथ संबंध बनाएंगे, विशेष से ध्यान रखना है, क्योंकि राहु अष्टम भाव के अंतर्गत रहेगा और यहाँ से राहु की नवी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी जाएगी। वाहन चलाते वक्त सावधान, दुर्घटना घटित हो सकती है, आकस्मिक रूप से चोट वगैरह लगना, इस तरीके की दिक्कतें होना, ये भी संभावनाएं बनती दिखेगी अगर जन्म कुंडली में इस तरीके की हो गए तो, ये भी रहेगी, तो थोड़ा ध्यान रखना। ये समय रहेगा क्योंकि राहु की पांचवी दृष्टि आपके 12वें घर पर रहेगी, विदेशों से संबंधित पैसा कमाना, विदेश से संबंधित कर्म करना, वहां पर फायदा वैसे भी मीन राशि के अंदर ऑलरेडी है और मीन राशि में राहु है, राहु का संबंध 12वें घर से दृष्टि भी डाल रहा है, तो ये बात तो सही है कि अगर विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश से काम करना चाहते हैं, बहुत फायदा बहुत लाभ आपको देखने को मिलेगा अगर आपकी कुंडली में भी राहु विदेश से संबंधित पैसा लाभ देने वाला है, तो वहां से संबंधित कर्म करने में आपको बहुत फायदा रहेगा। हाँ, ये बात सही है कि इस समय के अंतर्गत आपके खर्चे बड़े व्यर्थ के खर्चे भी हो सकते हैं, तो व्यर्थ के खर्चे होना ये भी स्वाभाविक रहेगा क्योंकि यहाँ पे अब ये देखिए राहु की दृष्टि तो 12वें पर पड़ गई, मीन राशि में है, गुरु के हिसाब से डिस्पोजिटर के हिसाब से रिजल्ट जरूर मिलता है, वैसे तो अभी गुरु मेष में रहेंगे फिर वृषभ में मिथुन में, तो ये पूरे टाइम पीरियड में मतलब अगर देखा जाए मीन राशि में जब तक रहेंगे आपका आराम से समय बहुत अच्छा निकल जाएगा, क्योंकि इतने मेष में रहेंगे फिर वृषभ में आएंगे तो आपका बढ़िया समय निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखा, धार्मिक चीज़ों पर खर्चा करते रहो आप, क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें घर पर, आप धार्मिक चीज़ों पर खर्चा करते रहो, आपके गलत जगहों पर खर्चा होने से बच जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए राहु की दृष्टि, एक और बात, राहु अष्टम भाव में जाता है तो ध्यान रखना कि किसी लड़की वगैरह के चक्कर में मतलब कोई गलत फंसा सकते हैं, तो थोड़ा उससे भी आपको बचना है। वहीं राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी, द्वितीय भाव पर देखिए, द्वितीय भाव आपका कुटुंब परिवार और चतुर्थ भाव आपका घर, दोनों ही जगह एक जगह राहु की दृष्टि केतु की सिटिंग हो गई, बैठ गई केतु, और राहु की नवी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो ध्यान रखना कि ये समय कहीं ना कहीं परिवार से दूर जाने का रहेगा, परिवार से अलग होने का, अलगाव की स्थिति बन सकती है, और घर परिवार से दूर जाकर आप काम कर रहे हैं, किसी तरीके अज्ञात की खोज में आप हैं, जो ज्ञात नहीं है उसकी खोज रहे हैं, इस तरीके की स्थिति के साथ आप जीवन जी सकते हैं, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। और थोड़ा संचित धन को लेकर, क्योंकि केतु का प्रभाव भी आ गया, राहु की दृष्टि आ गई, तो कहीं ना कहीं आपका पैसे का ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्ट भी अगर करना है तो अच्छी जगह करिए, गलत इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि लालचवश किसी तरीके के गलत लोगों से जुड़कर आप गलत इन्वेस्टमेंट कर लें और अपने सारे संचित धन को, सेविंग को आप खराब कर लें, इस बात का ध्यान रखना। केतु है, मिस्टेक करा सकता है, परिवार से जुड़ी हुई कोई गलतियाँ आपके साथ हो सकती है जिसके कारण परिवार से अलग होना पड़े, या आपके संचित धन को लेकर कुछ गलतियाँ आप कर दें जिसके कारण पैसा, संचित जो धन है वो आपका खराब हो जाए, तो ये भी एक संभावना हो सकती है। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि चतुर्थेश बनकर भी केतु का प्रभाव द्वितीय भाव में है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कुछ इंट्यूशन आएंगे कि यहाँ पर अगर मतलब इसको खरीद लिया जाए, हम वहाँ से आपको फायदा मिल सकता है, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। खासकर ध्यान रखिएगा जब केतु वाणी के भाव पर है तो बोलने से ज़्यादा, क्योंकि बोलते समय आप कुछ ऐसी बातें भूल जाएंगे जो आपको जरूरी थी सामने वाले के समक्ष रखनी, वो आप भूल जाएंगे, तो इसका यहाँ पर ये अगर है कि कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपको मैसेज किसी को भेजना है, कम्युनिकेट आपको करना है, तो वहाँ पर अगर आप राइटिंग के माध्यम से करें, लिख कर करें, तो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा, आप अपनी सारी बातों को वहाँ पर अच्छे से भली प्रकार से समझा पाएंगे, बता पाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं राहु की नवी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, थोड़ा माता की सेहत वगैरह में खराबी दिक्कतें आ सकती हैं, माता को लेकर बड़े परेशान रह सकते हैं, और घर के अंतर्गत आप हो सकता है कि बड़े कुछ सोचें कि घर में ये काम करवाना है, वो सब कराना है, ये सामान लेकर आना है, कुछ लग्जरी से रिलेटेड, तो वहाँ पर अड़चनें बाधाएँ आएगी घर से संबंधित काम के अंतर्गत, तो ये भी एक दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है आपको। वहीं राहु जब अष्टम भाव में, हमने बताया भी आपको कि ससुराल पक्ष के साथ भ्रम उत्पन्न करना, आपको जैसा लग रहा है मतलब वहाँ पर आपको बड़े कभी कुछ मतलब अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशनशिप के अंतर्गत आएंगे अपने ससुराल पक्ष से, ये एक स्थिति देखने को मिलेगी, और यही वहीं जीवन साथी की वाणी भाव भी है वहाँ पर राहु का प्रभाव, थोड़ा यहाँ पर भी लाइफ पार्टनर को लेकर भी, उसकी वाणी को लेकर आपको समझ ही नहीं पाएंगे आप कि वो कहना क्या चाहती है या चाहता है, तो ये एक स्थिति मतलब लाइफ पार्टनर को लेकर दोनों ही स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, उसकी बातों को समझ ना पाना और वहाँ पर भी एक इल्यूजन क्रिएट रहना, भ्रम उत्पन्न हो जाना, तो ये भी बात है आपके लाइफ पार्टनर की, और वहाँ पर उसके सेविंग से रिलेटेड भी वहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है, तो ये कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात का ध्यान, लगन से जब अष्टम आता है तो बुद्धि के अंतर्गत मतलब आपके सांसारिक स्तर पर जो घटनाएं घटित होंगी वहाँ पर छोटी छोटी घटनाएं भी आपको विचलित बहुत करती हुई दिखाई देगी,
वहाँ पर विचलन बहुत देखने को मिलेगा आपको, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा इससे आपको बचना है। उपाय क्या करने हैं, देखिए अष्टम भाव में अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायण, ये मंत्र बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस मंत्र का अब आपको लगातार आपको 1.5 साल तक अक्टूबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023 से मंत्र जप करते रहना है, ओम नमो नारायण। साथ ही ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप, क्योंकि गुरु की राशि में वैसे भी गुरु मंत्र का इसका जाप करेंगे ओम नमः शिवाय का, तो आपको बहुत फायदा रहेगा। साथ ही जल तत्व की राशि में राहु अष्टम भाव में मीन राशि में, तो यहाँ पर आप अमावस्या को नारियल का जल प्रवाह करते रहिए, आपको बहुत फायदा रहेगा। और ये जब भी करें, अगर आप आपकी अगर जन्म कुंडली में भी अगर स्थिति खराब है तो थोड़ी देखिए पहले जन्म कुंडली के आधार पर ही आपको उपाय करनी चाहिए, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक जनरल उपाय हम आपको बता रहे हैं। वहीं बंदरों को केले खिलाइएगा, स्ट्रीट डॉग या मछली को वहाँ पर उनकी सेवा उनका फूड डोनेट करिएगा, साथ ही पक्षियों को दाना आपको डालते रहना है। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।